So, today we are going to start with new lesson. Spreadsheet is a part B, unit number 4. Starting with new lesson is a spreadsheet. So, how to start with spreadsheet? That's all of you know very well. First, click on the Windows R. यहाँ पर एक्सेल लिख दोगे और ओके बटन को प्रेस कर दोगे तो ऑटोमेटिक आपकी जो एक्सेल की शीट है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी. नाउ, उससे पहले थोड़ा सा बहुत हम लोग बेसिक देख ले क्या है और क्या नहीं है. बुक वन इज़ अ टाइटल बार. बाय डिफॉल्ट नेम इज़ अ बुक वन. यस, जैसे आप लोगों की बुक होती है वैसे ही यहाँ पर एक बुक दी गई है जिसमें कई इतने सारे पेजेस आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हो अपने आप. देन ऑन द टाइटल बार ऑफ द राइट हैंड साइड इज द मिनिमाइज मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन. नेक्स्ट वन इज द मेनू बार जिसमें होम मेनू, इंसर्ट मेनू, पेज लेआउट मेनू, फॉर्मूला मेनू, डेटा मेनू, रिव्यू मेनू एंड व्यू. नेक्स्ट वन इज द पार्ट इज द रिबन, यानी कि पर्टिकुलर हर एक मेनू की डिफरेंट डिफरेंट रिबन होती है तो इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर रिबन को यूज़ करेंगे. नेक्स्ट वन, दिस वन इज द सेल बॉक्स नेम, सेल एड्रेस, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, सेल एड्रेस. अभी यहाँ पर E12 है, अगर मेरा कर्सर किसी और जगह पे होता तो वहाँ पर उस टाइप का नेम दिखाई देता है. जैसे कि बाय डिफॉल्ट इज़ अ E2, बाय डिफॉल्ट नहीं है, बाय डिफॉल्ट तो क्या होता है A1. बट अगर मैं यहाँ पर कोई भी कर्सर को यहाँ पर लिखता हूँ, सपोज A110, तो उस कर्सर को जब भी मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिक वो कर्सर मेरा उस पोजीशन पे चला जाएगा, यानी कि ए इज़ अ कॉलम एंड 110 इज़ अ रो. क्लियर एवरीवन? सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ क्या हुआ कि आप लोग यहाँ से पर्टिकुलर कोई भी रो में यहाँ पर जा सकते हो. अगर आप लोगों को यहाँ पर A1 लिखा है तो ऑटोमेटिक वापस कहाँ पर आ जाओगे, A1 की कॉलम में, यानी कि उस सेल पे. नेक्स्ट वन, दिस वन इज़ द फॉर्मूला बार, यानी कि अगर यहाँ पर आप लोग कुछ भी लिखना चाहते हो तो यहाँ पर उसको लिख सकते हो. जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है इन्फॉर्मेशन, तो उसके हिसाब से आप लोगों को जो भी लिखना है वहाँ पर आप लोग लिख सकते हो. क्लियर एवरीवन फॉर दिस थिंग? नाउ इन दिस लेसन यू विल बी लर्न हाउ टू क्रिएट अ ऑटो सम. यस, हाउ टू यूज़ द ऑटो सम इन सेल, कि सेल में मुझे ऑटो सम को कैसे यूज़ करना है वो यहाँ पर आप लोग देखोगे और उसको सीखोगे. मेरे ख्याल से सबको आता ही है, फिर भी एक बार हम लोग रिविज़न यहाँ पर कर ले ताकि आपको थोड़ी बहुत रिवाइज हो जाए. सो फर्स्ट वन इज़ द नेम, नेक्स्ट वन इज़ द सब्जेक्ट नेम दैट इज़ द हिंदी, नेक्स्ट वन IT, देन मैथ्स, यस साइंस और टोटल. क्लियर? नाउ राइट डाउन द नेम ऑफ द पर्सन इज नमन. हिंदी में उसको आउट ऑफ 50, आउट ऑफ 30, आउट ऑफ 100, एज़ पर योर चॉइस. आप लोग यहाँ पर अगर आपको एग्ज़ाम में दिया गया आउट ऑफ 50 मार्क डालने हैं तो वहाँ पर आउट ऑफ 50 आपके मार्क्स एंटर होने चाहिए. तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द आउट ऑफ 50, यहाँ पर मैं मार्क दे रहा हूँ. सो आउट ऑफ 50 नमन को आए 46, IT में मिले उसको 48, मैथ्स में मिले उसको 30, साइंस में मिले उसको 35. अब यहाँ पर मुझे टोटल करने हैं तो टोटल करने के कई सारे और भी तरीके हैं. फर्स्ट वन, टोटल हम लोग कैसे करेंगे, तो कोई भी फॉर्मूला अगर लिखते हो आप लोग तो यहाँ पर क्या, कौन सी साइन होनी चाहिए, इज इक्वल साइन. यस, उसके बाद आपको यहाँ पर क्या लिखना है, वो सेल वैल्यू नहीं बट उसका सेल एड्रेस. वो सेल एड्रेस कहाँ से पता चलेगा, हिंदी है तो कौन सी सेल एड्रेस है, B2. तो क्या आना लिखना पड़ेगा, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा B2. यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, देन प्लस की साइन आपको यहाँ पर दी गई ऑलरेडी आपके कीबोर्ड में, देन C, यानी कि IT का टोटल, देन वापस प्लस की साइन, वापस मैथ्स का टोटल यानी कि मैथ्स के वैल्यूज, वापस प्लस की साइन एंड लास्ट वन इज़ द साइंस, तो उसकी वैल्यू. जब भी एंटर की को प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर टोटल मिल जाएगा. क्लियर? ये पहला तरीका है. नाउ सेकेंड वे, दूसरा तरीका कौन सा है वो यहाँ पर बता दूँ, बट उससे पहले यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखा दूँ कि सेल के इनसाइड में अगर आप लोग कोई भी अल्फाबेटिकल कुछ भी लिखते हो, यानी कि A to Z के बीच में, तो वो सेल के लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा. अगर कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू है तो वो सेल के राइट हैंड साइड पार्ट पे आएगा. तो आप लोग यहाँ पे उसका एग्जांपल देख ही सकते हो, जैसे कि हिंदी है तो लेफ्ट हैंड साइड है, नंबर है तो वो कौन सी साइड पे है, राइट हैंड साइड पे, सेल की राइट हैंड साइड पे. तो आप लोगों ने देखा कि टोटल का पहला तरीका कौन सा था, हम लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी देखा. नाउ
नेक्स्ट वन टोटल का तरीका इज इक्वल टू सम. क्या लिखोगे? सम इन द ब्रैकेट रेंज ऑफ द सेल, यानी कि रेंज लिखनी पड़ेगी. कैसे? जैसे कि बी टू सिलेक्शन हो गया, देन जेम की साइन, और कहाँ से कहाँ तक है? ई टू तक. यानी कि सब कुछ नहीं लिखना है, बट आपको क्या लिखना पड़ेगा? ई टू लिख दिया, यानी कि वो पूरा का पूरा सिलेक्शन हो गया. ब्रैकेट को ओवर कर दो और एंटर की को प्रेस करवा दो, तो भी आपका टोटल वो चीज़ सेम आ जाएगा. क्लियर एवरीवन फॉर दिस थिंग? नाउ थर्ड वे फॉर सम इन द ब्रैकेट बी टू कोमा सी टू कोमा डी टू कोमा ई टू. यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो ताकि आपको पता चले जिस कलर का यहाँ पर बी टू लिखाई दे रहा है वहीं पर उसको चूज़ किया हुआ है. अगर मैंने किसी भी जगह पे उसको चेंजेस यानी कि 23 कर दिया होता या फिर उसको यहाँ पर 10 कर दिया होता तो ऑटोमेटिक आपको क्या पता चल जाता कि मैंने कोई भी गलत यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया है, यानी कि मेरी साइंस का जो सिलेक्शन है वो नहीं हुआ, लेकिन उसकी जगह पे क्या हो गया? E10. तो वो गलत हो जाएगा, आंसर आपको मिलेगा नहीं. तो आपको क्या करना है? E2 ब्रैकेट ओवर एंड एंटर. तो सेम टू सेम टोटल आ गया. यहाँ पर मैंने कौन सा लिया? रेंज दी. यहाँ पर कैसे किया? पर्टिकुलर लिखा हर एक सेल एड्रेस को. नाउ लास्ट वन इज द टर्म इज दैट, कि यहाँ से आप लोग क्या करोगे? सब कुछ सिलेक्ट कर लोगे. कहाँ तक? यहाँ तक, यानी कि टोटल तक. ये कर लिया सिलेक्शन, देन उसके बाद कहाँ पर जाओगे? ऑटो सम में. किस पे जाओगे? ऑटो सम में. तो यहाँ पर सम का एक ऑप्शन दिया हुआ है, उसको सिलेक्ट कर लोगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा, उसका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा. आपको डिफरेंटली करने की ज़रूरत रहेगी नहीं. सो सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? हम लोगों ने यहाँ पे देखा ऑटो सम का. नेक्स्ट वन इज द ऑप्शन इज एवरेज. क्या फाइंड आउट करना है? एवरेज. नाउ एवरेज द फर्स्ट वे, उसमें भी दो तरीके हैं. फर्स्ट वे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड F2, यानी कि जो हमारा टोटल है उसको ले लो, डिवाइडेड बाय. डिवाइड कैसे करोगे? डिवीजन की साइन. यस, डिवीजन की साइन को यूज़ करोगे, देन आप लोग क्या यूज़ करोगे उसको? ये डिवीजन साइन. कितने नंबर से टोटल? 4, बिकॉज नेम यहाँ पर काउंट होता नहीं है. 1, 2, 3 एंड 4. तो यहाँ पर आप लोग 4 कर दोगे तो ऑटोमेटिक उसकी एवरेज यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी. अगर आपका आंसर गलत होता है तो आप लोग यहाँ से भी उसको चेक कर सकते हो, ये सारी की सारी वैल्यू को यहाँ पर लिख करके. यस, ये सारा सिलेक्शन हो गया. यस, देन नाउ यू कैन चेक हियर इन द बॉटम ऑफ द यस विंडो. यहाँ पर एवरेज दिया है कितनी? 39.75. कितने काउंट होते हैं? 4. उसका टोटल कितना होता है? 159. तो ऑटोमेटिक आप लोग समझ लेना कि यहाँ पे मेरी जो फॉर्मूला है वो सही है या फिर गलत है. या डायरेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक मुझे पता चल जाएगा आप लोगों ने डायरेक्ट किया, यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ नहीं हुई है. यस, क्लियर एवरीवन? सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑटो सम एंड एवरेज. क्लियर? एवरेज का दूसरा भी तरीका है कि हम लोग एवरेज को फाइंड आउट कर सकते हैं. ये पहला तरीका हो गया सबका. सेकेंड वे इज इक्वल टू एवरेज. यस, यहाँ पर आ गया. टैप की साइन कर दो ताकि पूरा वर्ड आ जाए, देन गिव द, जैसे हम लोगों ने सम में पूरा सेल एड्रेस यानी कि रेंज दी थी, सेम तरीका B2 से लेकर E2 तक. यस, ब्रैकेट ओवर एंड एंटर. तो ऑटोमेटिक भी मेरा आंसर यहाँ से मिल जाएगा. क्लियर एवरीवन? और तीसरा तरीका कौन सा है? सेम थिंग्स. यस, कैसे करेंगे हम लोग यहाँ से उसको सिलेक्शन? इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूँ. नाउ क्या करोगे आप लोग? यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया, यहाँ से क्या करोगे? एवरेज. तो ऑटोमेटिक आपकी एवरेज यहाँ पर मिल जाएगी. क्लियर एवरीवन? सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ क्या हुआ, हाउ टू यूज ऑटो सम एंड एवरेज. नाउ नेक्स्ट वन सेशन इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग. क्या है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग. नेक्स्ट वन सेशन इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग. कंडीशनल फॉर्मेटिंग अलाउज सेल चेंज देयर अपीरियंस, फिल कलर, पाउडर कलर, फॉन्ट स्टाइल, बट नॉट फॉन्ट साइज. कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप लोग क्या कर सकते हो कि पूरा का पूरा सेल को चेंज कर सकते हो. कैसे?
कोई भी कलर को फिल करके, उसके बॉर्डर को कलर करवा के, उसकी फ़ॉन्ट की स्टाइल जो है उसमें चेंजेस करके, लेकिन उसके जो फ़ोन साइज़ है उसमें आप लोग किसी भी टाइप का यहाँ पर चेंजेस कर पाओगे नहीं। डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू स्टोर्ड इन देम, यानी कि उसकी वैल्यू कौन सी है, किस तरह की वैल्यू आप लोगों ने एंटर करवाई है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वैल्यू में आप लोग किस टाइप का चेंजेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ शेल कंटेंस वैल्यू लेस देन पासिंग मार्क्स देन इट फिल कलर वुड टर्न रेड अदरवाइज ग्रीन। यानी कि अगर पासिंग मार्क्स आप लोग के एग्ज़ाम में कितने होते हैं कि चलो भाई आउट ऑफ 50 मार्क्स है तो उसमें कंपल्सर मुझे कितने लेने हैं, 18, यस। तो हम लोग यहाँ पे कुछ डेटा आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है जिसके थ्रू मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे हम लोगों को यूज़ करना है। सो आपके सामने थोड़ा बहुत डेटा यहाँ पे लिखा है जिसमें नेम है, हिंदी है, आईटी के मार्क्स है, मैथ्स के मार्क्स है, साइंस के मार्क्स है, सब के मार्क्स यहाँ पर दिए। उससे पहले थोड़ा बहुत हम लोग उसको यहाँ पर फॉर्मेटिंग देख लें कैसे उसको फॉर्मेटिंग करना है। जैसे कि ये सेल है, यस, फर्स्ट हमारी जो रो है उसको मुझे बोल्ड करना है, तो यहाँ से मैंने उसको बोल्ड कर दिया। देन जो भी राइट हैंड साइड यानी कि सेल के लेफ्ट हैंड साइड में आपको वर्ड्स दिखाई दे रहे उसको मुझे क्या करना है, मिडल में लाना है, तो यहाँ से मैंने उसकी अलाइनमेंट को चेंज कर दिया तो वो चेंजेस हो गए। उसके बॉटम मिडल में लाना है, सेल के मिडल में, तो वो भी चेंजेस हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? नाउ अब मुझे क्या करना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स है, मैं हर एक स्टूडेंट, आप 34 स्टूडेंट्स हो, मैं जो 34 स्टूडेंट में से पूरा का पूरा डेटा चेक करना पड़ेगा कि कितने स्टूडेंट्स फेल है, कितने मार्क्स से इनसे पास होते। लेकिन उसकी जगह पे हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है कि उसकी स्टाइल में चेंज करवा के, कैसी स्टाइल पे। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, उस डेटा को पहले सिलेक्ट कर लोगे जितना भी डेटा हो। क्लियर? ये डेटा पूरा का पूरा सिलेक्ट हो गया, हम लोगों ने कर लिया। नाउ इन द होम मेनू, होम मेनू में आपकी स्टाइल ग्रुप में एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके एक ऑप्शन दिया हुआ है जिससे हम लोग क्लिक करेंगे। फर्स्ट वन, हाईलाइट द सेल रूल्स, यस, कई सारे ऐसे वैल्यूज आपको यहाँ पर दिए गए जिसके थ्रू हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वर्क करेंगे। फर्स्ट वन इज ग्रेटर देन, यस, ग्रेटर देन दैट मीन्स कि जो भी हम लोग यहाँ पर वैल्यू को एंटर करवाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आई एंटर द 45, यस, तो 45 से अब जितने भी डेटा होंगे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि उसके कलर चेंज हो गए, 46, 46, 47। सिर्फ ये वैल्यू में सिर्फ ऐसे तीन ही डेटा है जिसमें मैं वैल्यू को चेंज, यानी कि उसमें जो भी मैंने यहाँ पर लिखा है उससे ज़्यादा डेटा है, यस। सो ग्रेटर देन मीनिंग सबको पता है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट, यानी कि लाइट यानी कि उसका बैकग्राउंड कैसा रहेगा, लाइट रेड रहेगा, लेकिन उसके जो टेक्स्ट है वो कितने रहेंगे, डार्क। अगर आप लोगों को यहाँ पर अपने कलर के हिसाब से चेंज करना है तो कस्टम फॉर्मेट में जाके आप लोग उसके हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो, जैसे कि अभी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। कस्टम फॉर्मेट में क्या दिया गया है, आप लोग अपने हिसाब से कोई भी फॉन्ट को यूज़ कर सकते हो, रेगुलर चाहिए, बोल्ड चाहिए, इटैलिक चाहिए, बोल्ड इटैलिक दोनों चाहिए तो आप लोग अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। स्ट्राइक थ्रू चाहिए कि नहीं चाहिए तो आप लोग अपने हिसाब से उसको सिलेक्ट अनसिलेक्ट भी कर सकते हो। अंडरलाइन चाहिए, कलर कैसा चाहिए, कलर पे मुझे ग्रीन चाहिए, येलो चाहिए तो मैं येलो रखूँगा तो उसके हिसाब से वो यहाँ पर कलर मुझे मिलेंगे, या फिर आप लोगों का ब्लू या फिर ग्रीन करना चाहते हो, डार्क ग्रीन, तो उसके हिसाब से जब भी मैं ओके की को बटन को प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिक जो मेरा वैल्यू होगा जब भी मैं एंटर की दूँगा तब वो वैल्यू चेंज हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर एवरीवन? आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, वापस मैं कर रहा हूँ डिफरेंट कलर के थ्रू ताकि आपको पता चले। ग्रेटर देन, यस, नाउ 31 चेंज कर दो, यहाँ पे कलर कौन सा ले लो, येलो, ताकि आपको दिखाई दे, यस, देन ओके, तो ऑटोमेटिक जो आपके फॉन्ट होंगे वो यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। अब मैं वैल्यू अपनी चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे वो वैल्यू कौन सी दे रहा हूँ, 46, तो 46 के ऊपर एक ही है सेंटेंस हमारा 47, तो ग्रेटर देन सबको समझ में आ गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू, यस। क्लियर एवरीवन? नाउ नेक्स्ट वन इज द कंडीशनल फॉर्मेटिंग में लेस देन, यस, कैसे कितने डेटा है जो बिलो 20 है, बिलो 20, यस, तो यहाँ पे 20 एंटर करूँगा, ऐसे तीन ही डेटा है। अगर मैं यहाँ से और भी कटा दूँ कि बिलो 18 होने चाहिए तो सिर्फ दो ही डेटा मिलेंगे, जब भी मैं ओके बटन को प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिक मुझे वो मिल जाएंगे। यहाँ पर आप दो कंडीशन एक साथ भी दे सकते हो, जैसे कि अभी मैं दे रहा हूँ, अभी आप लोगों ने लेस देन का देखा, अब मैं ग्रेटर देन का बता रहा हूँ, यस, कि 45 से अप। क्लियर? बट दोनों में कलर तो हम लोग सेम नहीं रख पाते हैं, तो यहाँ पे क्या करूँगा, ग्रीन फिल,
यस इसको मैं ग्रीन कलर दे दूंगा और यहाँ पे ओके बटन को प्रेस करवा दूंगा, तो ऑटोमेटिक जो मेरा कर्सर होगा यानी कि बिलो 18 के सिर्फ दो वैल्यूज़ है और बिलो सॉरी अबव 45 के कितनी वैल्यूज़ है, तीन। अगर मैं किसी भी जगह पे किसी भी सेल एड्रेस में किसी भी सेल में कोई भी वैल्यू को अगर चेंज करता हूँ तो ऑटोमेटिक उसका कलर चेंज होगा कि नहीं होगा वो भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि मैंने वैल्यू यहाँ पर कर दी 48, तो उसमें कलर चेंज होगा, एंटर करके प्रेस करके हो गया। देन यहाँ पे वैल्यू करता हूँ 3, तो वो बिलो हो गया, तो वो भी कलर चेंज हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सो नाउ उसके डिफरेंट डिफरेंट रूल्स है जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखाऊंगा। क्लियर? तो हम लोगों ने दो चीज़ देखी, क्या क्या, कि ग्रेटर देन एंड लेस देन। बिटवीन का मीनिंग सबको पता है कि बिटवीन क्या होता है, वन से लेकर इतना ही डेटा चाहिए 30 तक का, 30 यस, या फिर 34 तक का, लेकिन उसमें कलर कैसा करना है, चेंज करना है, सिर्फ रेड बॉर्डर ही आनी चाहिए। तो यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लो और ओके बटन को प्रेस करवा दो, लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उस डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ से मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ। सो फर्स्ट वन क्लिक हियर, हाईलाइट, देन बिटवीन। बिटवीन क्या करूँगा, वन से लेकर यहाँ पर चेंजेस कितना करूँगा, 30 तक का। क्लियर? यहाँ पर मैंने जाके उसको चेंज कर दिया, यस, क्या किया, रेड बॉर्डर, और उसको प्रेस करवा दिया। सो उसमें कितना डेटा आएगा, सिर्फ दो या तीन, जहाँ पर मैं 1 to 30 के बिटवीन यानी कि उसके मिडल में जो भी आंसर आएगा। क्लियर एवरीवन? तो ये हो गया हमारा हाईलाइट द रेस। इक्वल टू, सबको पता है कि इक्वल टू का मीनिंग क्या होता है। क्लियर? सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस थिंग। नाउ नेक्स्ट वन इज दैट, सो हम लोगों ने ये भी देख लिया कि कैसे हम लोग उसको यूज़ कर पाते हैं और किस तरीके से हम लोग उसको यूज़ करते हैं। अब मुझे यहाँ पर एक ऐसा डेटा चाहिए जो सिर्फ पास और फेल का ही बताए, कि जो भी बंदा है वो अगर ग्रेटर देन 15 है तो वो पास है या फिर वो फेल है, उसके हिसाब से। मोर रूल्स में चले जाओ, आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे रूल्स अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया है कि जो भी मेरा करंट सिलेक्शन है, करंट सिलेक्शन मीन्स सेल वैल्यू जो भी है मेरी, यस, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे उसको चूज़ करूँगा। ग्रेटर देन जो भी आपको यहाँ से बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और लेस देन इक्वल टू। क्लियर? तो मैंने यहाँ पे क्या दिया, ग्रेटर देन, यस। यहाँ पे आप लोग अपनी सेल वैल्यू जो भी रखना चाहो वहाँ पे रख सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेल वैल्यू डाल दी, क्या, डॉलर, डॉलर की साइन करके क्या लिखा मैंने, डॉलर बी, यस। आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे उसकी फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे कुछ रूल्स दिए गए, देखो, फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज़, फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक्ड वैल्यूज़, यस। हम लोग अगर पास और फेल में करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं देखो अबव और बिलो दो रेंज दे रहा हूँ, ठीक है, अबव और बिलो, अबव है तो उसके हिसाब से द फर्स्ट इक्वल और अबव, क्लियर। देन कोई भी अगर फॉर्मेट आप लोगों को अपने हिसाब से करना है, यहाँ से आप लोग चेंज कर सकते हो या फिर उसको एंटर भी बता सकते हो। तो ये हो जाएगा अबव एंड बिलो का। क्लियर एवरीवन फॉर दिस थिंग? सो ये हो गया आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट वन सेशन, सेशन नंबर 3 इज दिस, हाइड अनहाइड फ्रीज रो एंड कॉलम। हाइड एंड अनहाइड का तो मीनिंग मेरे ख्याल से सबको पता ही है, लेकिन फ्रीज का मीनिंग क्या होता है? स्प्रेडशीट कंटेनिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा आर इजियर टू ब्राउज एंड वर्क विथ, बट इन रियल लाइफ वी मोस्टली डील विथ द बल्क ऑफ डेटा। इमेजिन अ शीट कंटेनिंग मार्क्स इन द ऑल सब्जेक्ट फॉर 500 स्टूडेंट। कि स्प्रेडशीट में आप लोग जितना चाहो उतना डेटा स्मॉल अमाउंट में उसको इजीली आप लोग उसको ब्राउज कर सकते हो, उसके साथ वर्क कर सकते हो, बट इन रियल लाइफ में अगर देखा जाए तो वो डील करना कितना बड़ा मुश्किल है। बिकॉज यहाँ पर तो मैंने सिर्फ 3 स्टूडेंट का डेटा लिया है, अगर मैं यहाँ पर अगर 500 स्टूडेंट का डेटा लेता हूँ तो हर एक चीज़ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। देखो, जैसे कि मैं यहाँ पर डाउन चला गया तो मुझे यहाँ पर पता नहीं चला कि कौन से सब्जेक्ट में मार्क एंटर कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज़ ये चीज़ क्या हो गई आप लोगों की, ऊपर चली गई यानी कि वो हाइड हो गई। मुझे यहाँ पे पता नहीं चलेगा कि फर्स्ट कॉलम कितनी किसकी है, सेकंड कॉलम किसकी है, थर्ड कॉलम किसकी है, फोर्थ कॉलम किसकी है, फिफ्थ कॉलम किसकी है, तो ये पता मुझे चलेगा नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो हम लोग आगे देखेंगे।
So, when we work with sheets containing bulk data, we hide certain columns which are not necessarily required to be referred to so that necessary data is visible easily on the screen without or least effort of scrolling the sheet up and down or sideways. Later hidden columns and rows can be unhidden. Yes? तो हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे कि कोई भी रो या कॉलम को कैसे हमें उसको फ्रीज करना है. बट उससे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि रो एंड कॉलम को कैसे हम लोग हाइड कर पाते हैं, कि जो भी कॉलम हम लोगों के वर्किंग में नहीं है अभी, हमें उसका कोई काम ही नहीं है. अगर हमें किसी भी कॉलम को यहाँ पर हाइड करना है तो कैसे हम लोग हाइड करेंगे और किस तरीके से उसको अनहाइड करवाएंगे. सो फर्स्ट वे टू हाइड एंड अनहाइड द रो एंड कॉलम. अगर मुझे यहाँ पर किसी भी एक कॉलम को हाइड करना है, रो को, पहले हम लोग रो की बात करेंगे. सो फर्स्ट क्लिक ऑन द थर्ड, यानी कि जो भी आपके राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पार्ट पे यहाँ पे 1, 2, 3 नंबर दिया हुआ है उसके ऊपर जिस रो को आपको हाइड करना है उससे पहले क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको दिया हुआ है हाइड का बटन. क्या दिया हुआ है? हाइड का बटन. जैसे आप लोग उसको क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक वो जो रो होगी वो हाइड हो जाएगी. क्लियर एवरीवन? तो आपको यहाँ पर 1, 2 जो 3 था वो मैंने हाइड कर दिया तो ऑटोमेटिक उसके बाद क्या आएगा, 4. वापस एक कर और चीज़ करके बताता हूँ. जैसे कि 6, 1 है तो 6, 1 कॉलम को पहले सिलेक्ट करो देन उसको यहाँ से हाइड करवा दो तो ऑटोमेटिक वो भी चली जाएगी. सो 1, 2, 3 नहीं आया, 4, 5, 6 भी नहीं है तो वो दोनों रो कैसी हो गई, हाइड हो गई. अब उसको अनहाइड करना है तो कैसे करवाएंगे, उसके ऊपर राइट क्लिक करोगे और उसको अनहाइड करवा दोगे तो ये चीज़ आपकी अनहाइड हो जाएगी. सेम वे फॉर दिस थिंग, राइट क्लिक करोगे और उसको क्या करवाओगे, अनहाइड, तो वो भी रो आपके सामने वापस प्रेजेंट हो जाएगी. सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ हाइड एंड अनहाइड रो. नाउ ये था फर्स्ट वे. सेकेंड वे कौन सा है कि जिस रो को आपको हाइड करना है पहले उस रो को सिलेक्ट कर लो, फिर आपके होम मेनू में शेल ग्रुप में एक ऑप्शन है फॉर्मेट करके. यस, तो फॉर्मेट में जाके आप लोग क्या करोगे, उसको हाइड एंड अनहाइड, जो भी जिसको हाइड रो तो हाइड रो करोगे तो ऑटोमेटिक वो रो हाइड हो जाएगी. वापस यहाँ पे तो कोई मुझे को रो नहीं दिखाई दे रहा था, अब अनहाइड कैसे करवाऊँगा. सेम वे, गो टू द होम मेनू, होम मेनू में आ गए, उसमें किस में जाना है, सेल में. सेल में जाके आपको क्या करना है, फॉर्मेट पे क्लिक करना है. फॉर्मेट में क्लिक करके आपको क्या करना है, विजिबिलिटी, जो हाइड हुआ है उसको अनहाइड करवा दो यानी कि अनहाइड रो. तो उसको क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक जो भी हम लोगों ने रो को हाइड करवाया होगा वो ऑटोमेटिक अनहाइड हो जाएगी. सेम वे फॉर द कॉलम, कि जैसे कि मुझे अभी आईटी की कॉलम की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करोगे, यस, उसको हाइड करवाओगे तो ऑटोमेटिक वो ABCD, यस, अल्फ़ाबेट सबको आते हैं बट यहाँ पे ABD सी कॉलम मुझे अभी वर्किंग में नहीं थी तो मैंने उसको हाइड कर दिया. क्लियर? वापस उसको अनहाइड करना है तो सेम वे फॉर द राइट क्लिक एंड अनहाइड, तो ऑटोमेटिक वो चीज़ नहीं हुआ बिकॉज यहाँ पे देखो बी सिलेक्शन हो गया, बी को सिलेक्शन तो नहीं करना है मुझे, यहाँ पर आपकी दूसरी कॉलम को सिलेक्शन करना है. क्लियर? तब ये तो सिलेक्शन हो गया, अब सिलेक्शन कैसे मैं यहाँ से हटाऊँ, देखो यहाँ पे, यस, कई बार आप लोगों के माउस के कर्सर यहाँ पे ऐसे दिखाई देते जिसको आप लोग ऐसे भी इंक्रीज करके उसको यूज़ कर सकते हो. क्लियर एवरीवन? सो दैट इज़ अ अनहाइड. यहाँ पे क्लिक करोगे जैसे कि यहाँ पर अनहाइड दिया हुआ है तो ऑटोमेटिक वो हाइड हो जाएगा, अनहाइड हो जाएगा. क्लियर? सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस थिंग. क्लियर? तो ये चीज़ क्या होगी आपकी, अनहाइड हो जाएगी. नाउ सेम वे, गो टू द होम मेनू इन द सेल ग्रुप. सेल ग्रुप में जाके क्या करोगे, फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करोगे, जो भी कॉलम को अगर हाइड करना है उस कॉलम को पहले सिलेक्ट कर लो कि मुझे ई कॉलम को हाइड करना है तो फॉर्मेट में जाके आप लोग क्या करोगे, हाइड में, बट यहाँ पर क्या आएगी, कॉलम आएगी. क्या आएगी, कॉलम, तो उसके हिसाब से आप लोग कॉलम को हाइड कर दोगे ऑटोमेटिक तो यहाँ से. और सेम वे फॉर द ऑपोजिट, फॉर्मेट में जाके आप लोग उसको क्या करवाओगे, अनहाइड. कॉलम नहीं, यहाँ पर रो नहीं करना है बट क्या करना है, कॉलम को करना है तो ये ऑटोमेटिक चली जाएगी. नाउ अब ये तो बात थी सिर्फ रो एंड कॉलम की, बट मुझे यहाँ पर पूरी की पूरी शीट को हाइड करनी है. यस, ये जो शीट 1 है आपको यहाँ पर दिखाई, यहाँ पर तो एक ही शीट है
अगर मुझे एक और शीट यहाँ पे इंक्रीज़ करनी है तो क्या करूँगा, प्लस की साइन पे ये शीट टू आ जाएगी, ये शीट थ्री, जितनी शीट चाहिए एज़ पर योर चॉइस आप लोग उतनी शीट को यहाँ पर एंटर करवा सकते हो। बट ये मुझे पूरी शीट को हाइड करना है। सेम वे गो टू द होम मेनू, सेल ग्रुप में आ जाओ, फॉर्मेट में हाइड एंड अनहाइड ऑप्शन में यहाँ पर आपको दिया हुआ है हाइड शीट, तो ऑटोमेटिक वो शीट हाइड हो जाएगी जहाँ से आपको कोई भी शीट दिखाई दे रही नहीं है। यहाँ पर देखो शीट टू एंड शीट थ्री, ये दो ही शीट यहाँ पर दी गई है। क्लियर एवरीवन? अगर उसको अनहाइड करना है तो सेम वे होम मेनू, शेल ग्रुप में, फॉर्मेट ऑप्शन में जाके आपको क्या करना है, हाइड एंड अनहाइड शीट में अनहाइड शीट को सिलेक्ट करना है। तो ऑटोमेटिक जो आपकी शीट अनहाइड होगी वो आपके ऑप्शन में दिया गया है कि आपको कौन सी शीट हाइड अनहाइड करनी है, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक वो शीट आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो ये था हमारा कौन सा ऑप्शन, सेशन थ्री का हाइड एंड अनहाइड वाला। नाउ अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे फ्रीज पेन, फ्रीज रो एंड कॉलम। फ्रीज पेन ड्रॉप डाउन लिस्ट इन अ विंडो ग्रुप ऑफ व्यू टैब अलाउज फ्रीजिंग रोज एंड कॉलम इन फॉलोइंग वेज। यस, कि अगर किसी भी चीज़ को आपको अगर फ्रीज करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अगर मैं डाउन कर्सर करता हूँ तो मुझे यहाँ पे पता नहीं चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट में कौन से सब्जेक्ट के मार्क एंटर करने हैं, बट उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको फ्रीज करवा देंगे। जैसे कि ये है फर्स्ट रो, उसको हम लोग फ्रीज करेंगे किस में जाके, गो टू द व्यू मेनू, व्यू मेनू में चले गए, उसमें विंडो ऑप्शन में आपको यहाँ पर फ्रीज पेन का ऑप्शन दिया हुआ है, जिसके तीन ऑप्शन है, फ्रीज पेन, फ्रीज टॉप रो, फ्रीज फर्स्ट कॉलम। जिसमें फर्स्ट रो क्या है, फ्रीज पेन, उसका मीनिंग क्या होता है, फ्रीज रो एंड कॉलम जस्ट बिफोर द एक्टिव सेल। यस, जो भी मेरी एक्टिव सेल होगी, यानी कि अभी मेरी एक्टिव सेल कौन सी है, H2, उससे बिफोर यानी उससे आगे की, चाहे वो जितनी भी कॉलम हो जितनी भी रो हो, उसको वो फ्रीज करेगी। क्लियर एवरीवन? रेस्ट ऑफ द शीट स्क्रॉल्स। यस, अभी मेरी कौन सी सेल है एक्टिव, H2। अब मैं यहाँ पे देखो क्या करता हूँ, फ्रीज पेन करता हूँ, यानी कि रो एंड कॉलम दोनों वो चीज़ फ्रीज हो जाएगी। क्लियर एवरीवन? देखते हैं यहाँ पर फ्रीज पेन। अब देखो यहाँ पर आपको छोटी सी लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पर लाइन दिखाई दे रही है। अब जैसे भी मैं मूवमेंट करवाऊँगा आगे जाके, तो ऑटोमेटिक मैथ्स एवरेज वो वैसा का वैसा ही रहेगा, पर जो मेरा बाकी का डेटा है वो क्या हो जाएगा, स्क्रॉल होता रहेगा। अब यहाँ पर ये तो रो का दिखाया सर आपने, कॉलम का, तो कॉलम के यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, जैसे 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 मूवमेंट करवाओगे वैसे वैसे वो चीज़ होती जाएगी। क्लियर एवरीवन? फॉर दिस दैट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रीज पेन। जैसे कि आप लोग उसको अनफ्रीज करवाओगे तो ऑटोमेटिक वो जो भी आपको लाइन दिखाई दे रही है वो यहाँ से निकल जाएगी। क्लियर? दैट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रीज पेन। नेक्स्ट वन इज फ्रीज टॉप रो। टॉप रो दैट मीन्स दैट्स ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, टॉप रो यहाँ पर कौन सी है, ये वाली, नेम, हिंदी, IT, मैथ्स, ये टॉप रो है, तो सिर्फ उसको ही फ्रीज करवाएगा और किसी चीज़ को, उसमें फिर कॉलम नहीं आएगी ना ही उसमें कोई उस दूसरी चीज़, सिर्फ फ्रीज टॉप रो। तो फ्रीज टॉप रो कर दिया हम लोगों ने। अब देखते हैं यहाँ पर देखो बाकी सब मूवमेंट, बाकी सब स्क्रॉलिंग होगा, लेकिन जो फर्स्ट रो होगी वही सिर्फ हमारी मूवमेंट होगी नहीं। दैट मीन्स जैसे हम लोग फ्रीज में जैसे हम लोग आइस को जमाते हैं, वैसे ही हमारी जो फर्स्ट रो है वो फ्रीज हो जाएगी, वो मूवमेंट होगी नहीं, बाकी सब कुछ मूवमेंट होगा, लेकिन जो हमारी फर्स्ट रो है बाकी सब कुछ हमारा वैसा का वैसा ही रहेगा, ओनली फॉर द फर्स्ट रो ही हमारी वो फ्रीज करेगा। क्लियर एवरीवन? नाउ तो ये हो गई हमारी क्या, दूसरा ऑप्शन, फ्रीज टॉप रो। अब वापस उसको अनफ्रीज करोगे तो ऑटोमेटिक वो चीज़ निकल जाएगी, यानी कि जो भी हमारा ऑप्शन है वो यहाँ से निकल जाएगा। अब देखते हैं अनफ्रीज कर दिया तो ऑटोमेटिक वो चीज़ चली गई। नाउ नेक्स्ट वन ऑप्शन इज द फ्रीज फर्स्ट कॉलम। जो भी हमारी फर्स्ट कॉलम होगी, यस, क्लियर एवरीवन, वही विजिबल रहेगा, यानी कि वही हमारे सामने रहेगा, बाकी सब कुछ कैसा हो जाएगा, अनविजिबल, यानी अनविजिबल नहीं बट वो बाकी सब कुछ कैसा रहेगा, स्क्रॉलिंग हुआ घुमाता रहेगा। देखते हैं फ्रीज फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम हो गई, देखते हैं यहाँ पर। अब देखो यस, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही है, बट ओनली द फर्स्ट कॉलम वो हमारी वैसी वैसी रही, बाकी सब कुछ हमारा स्क्रॉलिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर एवरीवन? सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ हाइड अनहाइड, फ्रीज रो एंड कॉलम। और इसके साथ हम लोगों ने एक और ऑप्शन देखा, कौन सा, हाइड द शीट।
कि शीट को कैसे हमें हाइड करना है, उसको कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन? नाउ नेक्स्ट वन ऑप्शन इज सेशन नंबर 4, दैट इज़ द सेट पेज ब्रेक्स। यस, कि कई बार हम लोग देखते हैं कि पेज को कैसे ब्रेक करना है, किस तरीके से हम लोग उसको ब्रेक कर सकते हैं, कहाँ से हम लोग ब्रेक करेंगे, कितना डेटा हमारे पास है, उससे पहले हम लोग इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, उसको अनफ्रेश करवा देंगे। क्लियर? अब देखते हैं, यहाँ पे कंट्रोल सी, थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे आपके डेटा को यहाँ पे इंक्रीज कर दूँ, कंट्रोल वी। यस, अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि चेंज कर दिया। नाउ थोड़ा बहुत डेटा मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है आपको सिर्फ दिखाने के लिए, तो हम लोग देखते हैं उसका मीनिंग क्या है। पेज ब्रेक्स आर रिक्वायर्ड व्हेन यू नीड टू प्रिंट द वर्कशीट कंटेनिंग अ लॉट ऑफ डेटा। अब मेरे पास तो यहाँ पे सारा कितना सारा डेटा हो गया, मैंने एक जैसा ही किया है, बट आपको दिखाने के लिए कि अगर मुझे इसी पेज को प्रिंट आउट करना है तो वो एक पेज में आएगा नहीं। देखते हैं हम लोग यहाँ पर, पहले उसको देखेंगे किस तरीके से वो होता है, किस तरीके से हम लोग उसको करवा पाते। ये सारा का सारा डेटा मैंने कॉपी कर लिया, अब कहाँ पर जाएंगे, फाइल मेनू में, कौन से ऑप्शन में, प्रिंट में। यस, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि कितने पेजेस हो रहे हैं, कहाँ तक हो रहा है, कौन से पेज की साइज़ है आप लोगों की। क्लियर एवरीवन? सो यू कैन चेक इट हियर। बट नाउ अगर हम लोग किसी भी टाइप का अगर हम लोग चेंजेस करते हैं, अगर इससे भी ज़्यादा डेटा है तो हम लोग कैसे करवाएंगे। सो नाउ पेज ब्रेक्स आर रिक्वायर्ड व्हेन यू नीड टू प्रिंट द वर्कशीट कंटेनिंग अ लॉट ऑफ डेटा इवनली डिस्ट्रीब्यूटिंग द रिकॉर्ड्स अक्रॉस द पेज लेंथ एंड अकोमोडेटिंग द कॉलम्स इन द विथ ऑफ द पेज आर द प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनी हार्ड कॉपी। यस, कि अगर हमें पेज को कैसे ब्रेक करना है, किस तरीके से हम लोग उसको ब्रेक करवा पाते हैं, किस तरीके से हम लोग उसको ब्रेक करेंगे, यस, वो हमें यहाँ पर देखना है। सो फर्स्ट वन कंट्रोल सी, यहाँ पे आपको एक और चीज़ यहाँ से दिखा दूँ, कंट्रोल वी, वापिस हम लोग इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल वी। ये इतना सारा डेटा हो गया, अब तो एक पेज में मेरा डेटा आएगा नहीं, बिकॉज अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखिए फाइल मेनू में गया, नाउ प्रिंट ऑप्शन में गया, अब देखो यहाँ से तो मेरा ये चीज़ कट गई, यानी कि ये चीज़ मेरी आधी आई, आधी बाकी रह गई। तो अब मैं क्या करूँगा, पेज को ब्रेक करवाऊँगा, कैसे ब्रेक करूँगा वो देखते जाइए कि कौन से ऑप्शन में जाके मैं क्या करता हूँ। सो अभी मेरा कर्सर कहाँ पर है, होम मेनू में। अब मुझे किसी भी पेज को ब्रेक करना है किसी भी जगह से, कि ये दो तीन पेज हो रहे हैं, उसके कितने पेजेस होने चाहिए, कहाँ से हम लोग उसको देखेंगे, किस तरीके से हम लोग उसको वर्क करवाएंगे, वो सब कुछ। सो फर्स्ट गो टू द व्यू मेनू, उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है पेज ब्रेक प्रीव्यू। कौन सा ऑप्शन है, पेज ब्रेक प्रीव्यू, जहाँ पर आपको दिखाई देंगे कितने सारे पेजेस आप लोगों के ऑलरेडी होते हैं। क्लियर? यहाँ पे उसकी मैं जो साइज है वो थोड़ी सी बहुत इंक्रीज कर दूँ आप लोगों को, ताकि पता चले। ये देखिए पेज वन, उसके बाद यस यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करूँगा तो ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा कि कितने पेजेस होते हैं। ये देखिए पेज टू, पेज थ्री, पेज फोर, कितने सारे पेजेस हो गए, टोटल 4 पेजेस हो गए। लेकिन उसको मुझे एक ही पेज में लाना है, तो मैं कैसे चीज़ करूँगा कि जो भी आपको यहाँ पर ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही है, आप लोग अपने हिसाब से उसको मूवमेंट कर सकते हो। जैसे कि मुझे यहाँ पे उसको कम करना है, तो यहाँ से उसको कम कर दूंगा, तो एक 4 पेजेस ही है, लेकिन वो ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे अपने हिसाब से। अब मुझे यहाँ से उसको, यहाँ से उसकी लेंथ बढ़ानी है ताकि 2 ही पेज मेरे बने, तो ऑटोमेटिक वो 2 पेज यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे। आप लोग यहाँ पर देखते रहिए, यस पेज वन एंड पेज टू, जैसे कि मैंने यहाँ पर चूज़ किया तो ऑटोमेटिक वो जो साइज़ थी वो यहाँ पर डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर उसको वापस डिक्रीज़ करता हूँ, इंक्रीज़ करता हूँ, देखिए यस इतना लिया, तो अब क्या हो जाएगा, मेरे सिर्फ 2 ही पेज है, लेकिन वो 2 पेज कहाँ से आएंगे, यहाँ से। देखिए यस, अगर इस ब्लू लाइन को मैं यहाँ से उसको डिक्रीज़ करवा के यहाँ पर ले लेता हूँ, तो ऑटोमेटिक जो मेरे 2 पेजेस थे वो कितने हो जाएंगे, 4, यानी कि उतना सिलेक्शन निकल जाएगा,
बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही वर्क रहेगा। क्लियर एवरीवन? सो दैट इज़ द ऑप्शन फॉर द पेज ब्रेक ऑप्शन। यस, सो यू आर वर्किंग विथ ब्रेक डाउन पेज सेटअप मेनू में जाके अपनी उसको यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया अभी तक। यस, पेज लेआउट ऑप्शन में चले जाओ, फिर आपको यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है क्या ऑप्शन ब्रेक का। यस, तो वो भी आप लोग उसके हिसाब से रिसेट ऑल करोगे तो ऑटोमेटिक जो नॉर्मल था वैसा का वैसा ही हम लोगों के सामने यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ से आप लोग उसको वापस यहाँ पे उसको चूज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो देखिए पेज वन, पेज टू, और अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल को डाउन करूँगा तो ऑटोमेटिक पेज थ्री एंड पेज फोर भी दिखाई देंगे। तो ये एक और तरीका है जहाँ से कौन से मेनू में, पेज लेआउट मेनू में, पेज सेटअप में ब्रेक। यस, ब्रेक को अगर क्लिक करोगे इंसर्ट पेज ब्रेक, यस, तो ऑटोमेटिक वो इंक्रीज हो जाएगा। तो फिर आप लोग अपने हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हैं, जहाँ से आप लोग को यूज़ करना है वहाँ से वहाँ तक का। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ पेज ब्रेक ऑप्शन। क्लियर? आगे बात सबको समझ में? और जैसे ही आप लोग यहाँ पे उसको ब्रेक को यहाँ से निकाल दोगे रिसेट ऑल, तो ऑटोमेटिक वो नॉर्मली बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। या फिर एक और तरीका है यहाँ से नॉर्मल का, यस, दैट इज़ द नॉर्मल व्यू, तो ऑटोमेटिक जैसा था पहले वैसा ही के वैसा ही सामने आ जाएगा। यहाँ से भी आप लोग पेज ब्रेक कर सकते हो, पेज ब्रेक प्रीव्यू के थ्रू, ऑप्शन के थ्रू, यानी कि इस जगह से यहाँ से भी आप लोग ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। क्लियर एवरीवन फॉर दिस थिंग? नेक्स्ट वन सेशन इज सेशन नंबर 5, सेट पेज लेआउट। यस, व्हेन वी डील विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट दैट प्रेजेंट डेटा इन वेरियस लेआउट्स एंड फॉर्मेट्स। यस, कि हम लोग किसने कितने सारे टाइप के डेटा हम लोग देखते हैं, कितने सारे डॉक्यूमेंट देखते हैं जिसमें हम लोग प्रेजेंटेड डेटा जो भी होता है वो लेआउट में होते हैं, फॉर्मेट में उसको दिया हुआ है, ताकि हम लोग अगर इट बिकम्स प्रैक्टिकल नीड ऑफ लेइंग आउट द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट प्रॉपरली, स्पेशली व्हेन डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी प्रिंटेड आउट ऑल्सो। यानी कि जब भी हमें प्रिंट आउट की ज़रूरत होती है तो हम लोग वहाँ पर पहले देखते कि जो भी हमारा डॉक्यूमेंट वो कैसे दिया हुआ है, किस तरीके से हम लोगों ने देखा है, कहाँ पे उसको कैसे प्रेजेंट दिया हुआ है, कि पेज के इनसाइड में वो पेज नंबर दिया हुआ है कि नहीं है, वो सब कुछ वहाँ पर देखते हैं, पेज की साइज़ कौन सी है, तो सारी की सारी चीज़ हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि उसको पेज में कैसे उसको सेट करना है, कौन से मार्जिन में रखना है, किस तरीके से हम उसको कौन से ओरिएंटेशन में उसको रख सकते हैं, वो भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। पेज लेआउट इन्वॉल्व सेटिंग अप द डेटा इन सच अ वे दैट इट इज़ अरेंज्ड ऑन द पेज इन अ प्रेजेंटेबल प्रोफेशनल वे विथ प्रॉपर मार्जिन्स, पेज ओरिएंटेशन, पेज साइज, एनी हेडर एंड फुटर्स, बैकग्राउंड एक्सेट्रा। सो इन द MS Excel वी आर लुकिंग फॉर द मार्जिन, ओरिएंटेशन, देन साइज, बैकग्राउंड अगर देना है तो बैकग्राउंड पे प्रिंट का टाइटल यानी कि उसका हेडर एंड फुटर अगर है तो वहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सो फर्स्ट वन, गो टू द पेज लेआउट ऑप्शन, पेज लेआउट मेनू में चले गए, उसमें पेज सेटअप करके एक ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ पर पहले फर्स्ट वन क्या है, मार्जिन। यस, नॉर्मल, वाइड एंड नैरो, जैसे भी आपकी मर्जी वहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हो कि उसको नॉर्मल में दिखाना है, वाइड में दिखाना है, किस तरह से हम लोग उसको दिखाना है, तो हम लोग यहाँ पे उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। सो यू कैन लुक एट द नॉर्मल जो आपका है ऑलरेडी पेज, देन नेक्स्ट वन इज़ द वाइड, तो जब भी आप लोग प्रिंट आउट करोगे तब भी आप लोग को वहाँ पर दिखाई देगा कि क्या है और क्या नहीं है, उसका डिफरेंट कैसा हमें आउटपुट मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज़ द नैरो, लास्ट वन, जो पेज की साइज़ है ऑटोमेटिक वो इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगी। ओरिएंटेशन, कि पेज को पोर्ट्रेट में करना है कि लैंडस्केप में करना है वो आपकी मर्ज़ी। जब भी हम लोग पेज को क्या करेंगे कि पेज को हम लोग प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे तब भी हमें पता चलेगा कि उसका प्रीव्यू कैसा आता है। यहाँ पर देखिए जो हमारा पोर्ट्रेट पेज है तो वो यहाँ पर ऐसा दिखाई देगा। आप लोग अपने यहाँ से भी उसको चेंजेस कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे पोर्ट्रेट कर दिया तो अब पेज की साइज़ कितनी डिक्रीज हो गई, दिस वन इज़ द पोर्ट्रेट। अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ से अगर चेंज करूँ कि लैंडस्केप में करवा दूँ तो ऑटोमेटिक वो चीज़ यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। देन पेज का सेटअप, कि कौन से पेज है, यहाँ पे ये लेटर है, लेटर स्मॉल, तो उसके हिसाब से वो हमें मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे अगर चेंज करवा दूँ कि कोई भी लेजर या लीगल करवा दूँ, यस, कि लीगल, तो ऑटोमेटिक वो पेज जो भी हमारा होगा तो उसके हिसाब से वो हमें पेज की साइज़ में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करवा देगा। अगर मैं यहाँ पे F4 करवा देता हूँ, देखिए
तो ऑटोमेटिक वो पेज का जो भी रहेगा, अगर मैं इस चीज़ को अगर पोर्ट्रेट में कर दूँ तो यहाँ पर वो चीज़ ऑटोमेटिकली इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगी। नैरो मार्जिन है, अगर मैं यहाँ पे वाइड मार्जिन रखता हूँ तो ऑटोमेटिक देखो इन द फोर साइड ऑफ द पेज टॉप लेफ्ट राइट एंड बॉटम द सेम साइज विल बी इक्वली टू मार्जिन, यानी कि उतना वो ब्लैंक स्पेस छोड़ देगा। देन नॉर्मल अगर है तो हमारा जो नॉर्मल पेज होता है वैसे ही हम लोगों को यहाँ पर दिखाएगा। इन द राइट हैंड साइड दैट विल बी बिगर साइज एंड द लेफ्ट हैंड साइड विल बी अ स्मॉलर साइज। क्लियर एवरी वन? सो दैट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिन ओरिएंटेशन। नाउ नेक्स्ट वन इज द ऑप्शन, इज कौन सा ऑप्शन है हमारा यहाँ पर, साइज भी हो गया, प्रिंट एरिया कि कौन से एरिया में। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या देखेंगे, बैकग्राउंड ऑप्शन। यस, यहाँ पर बैकग्राउंड तो सिर्फ ऑनलाइन ही होगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन वो चीज़ होगी नहीं कि ग्रिड लाइन आनी चाहिए कि नहीं। ऐसी एज पर द व्यू, व्यू जब भी आप लोग देख रहे हो तो यहाँ पर आपको ग्रीन लाइन दिखाई दे रही है। अगर नहीं दिखाई देती है कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ से पहले बता दूँ कि जब भी हम लोग यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, होम मेनू में जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग बॉर्डर को सेट करेंगे ऑल बॉर्डर, ताकि आपको सभी जगह पर ग्रीन लाइन दिखे कि यहाँ से वो चीज़ ब्रेक होती है। अब मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, पेज लेआउट ऑप्शन में। जब भी व्यू करूँगा व्यू के टाइम पर वो मुझे चीज़ दिखाई देगी, और जब भी इसको सिलेक्शन निकाल दूंगा यस, तो ऑटोमेटिक वो चीज़ क्या हो जाएगी, पेज को यहाँ से सिलेक्ट करो और उसको यहाँ से व्यू से निकाल दो। क्लियर? तो जब भी हम लोग उसको प्रिंट ऑप्शन में देखेंगे, ये सारी की सारी चीज़ आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, प्रिंट ऑप्शन में। प्रिंट है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको दिखाई देगा, अगर नहीं होगा तो यहाँ से वो निकल जाएगा। नेक्स्ट वन, अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से हेडिंग्स में से भी निकाल दूँ, यस देखिए तो यहाँ से ABCD यहाँ से चला गया, अब आ गया वापस। प्रिंट प्रीव्यू में करूँगा तो ऑटोमेटिक वो चीज़ वहाँ पर आ जाएगी। देखिए क्लियर, तो यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है, देखो ABCDEFG ऑटोमेटिक वो हेडिंग्स में भी वो चीज़ आप लोगों को मिलेगी। क्लियर एवरीवन? सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ क्या हुआ, ग्रिड ऑप्शन, व्यू एंड प्रिंट। वापस इस ऑप्शन को हम लोग यहाँ पर देखेंगे फाइल मेनू में जाके प्रिंट ऑप्शन में, तो यहाँ पर आप लोगों को वो चीज़ देखने को मिलेगी। क्लियर एवरीवन फॉर दिस थिंग? नाउ अगर इससे ज़्यादा कोई भी अगर ऑप्शन है अगर आपको देखने हैं, तो यहाँ पे आप लोग उसको क्लिक करोगे पेज सेटअप ऑप्शन में। कहाँ पर, पेज सेटअप ऑप्शन में, इस जगह पे, इन द पेज सेटअप के कॉर्नर में, यहाँ पे देखिए। यस, द फर्स्ट वन इज़ द पेज पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, हम लोगों ने देख लिया। पेपर की साइज़ कितनी होनी चाहिए वो भी हम लोगों ने देख लिया, कहाँ से हम लोग उसको सेट कर सकते हैं। यस, अगर प्रिंट प्रीव्यू करोगे तो ऑटोमेटिक आप लोग यहाँ से उसको देख सकते हो, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। नाउ नेक्स्ट वन ऑप्शन कौन सा है वो यहाँ हम लोग देखेंगे, मार्जिन। यस, कि मार्जिन को आप लोग यहाँ से भी उसको सेट कर सकते हो अपने हिसाब से कितनी करनी है। देखो यहाँ पे उसका प्रीव्यू भी हमें दिखाई दे रहा है कि जो भी हम लोग प्लस माइनस करेंगे तो उसके हिसाब से वो मार्जिन सेट भी होता रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड अगर करेंगे तो ऑटोमेटिक वो चीज़ भी, अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दूँ तो ऑटोमेटिक वो चीज़ यहाँ पे हो जाएगी। देन यहाँ पर भी 4 लिखूँगा तो वो भी यहाँ से ऑटोमेटिक हो जाएगा। हेडर कितना रखना है 5 का तो ऑटोमेटिक वो चीज़ भी, फुटर कितना रखना है 5 का तो वो भी यहाँ से। जब भी आप लोग उसको सेंटर ऑन पेज हॉरिजॉन्टल वर्टिकली सेट करोगे और प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे, तब वो चीज़ आपके सामने यहाँ पर ऑटोमेटिक प्रिंट प्रीव्यू करोगे, तभी वो चीज़ सामने आपको रिजल्ट पता चलेगा। तब तक रिजल्ट पता चलेगा नहीं। ये जहाँ पे मैंने उसको पेज को फुटर दिया था, उसको हेडर दिया था, उसकी लेफ्ट मार्जिन को सेट किया था, वो सारी की सारी चीज़ जब प्रिंट प्रीव्यू के ऑप्शन में जाओगे तभी आपको पता चलेगा। हेडर एंड फुटर, हेडर में कुछ लिखना है कि नहीं लिखना है, आप लोग अपने हिसाब से कस्टम हेडर एंड फुटर भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देन सेक्शन 1, राइट सेक्शन कुछ नहीं, और ओके को यहाँ पे प्रिंट ओके दे दूँगा, तो जब भी प्रिंट प्रीव्यू करूँगा तब भी वो मुझे चीज़ मिलेगी, वरना वो चीज़ मिलेगी नहीं। लेकिन यहाँ पे मैंने देखो फुटर या उसका जो हेडर है वो ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो यहाँ से वो चीज़ मुझे मिलेगी नहीं। और इसको जब नैरो करूँगा यस, या फिर क्या करना पड़ेगा हमें, उसको नॉर्मल इसको सेट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक वो चीज़ आ गई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1। यस, तो हम लोग हेडर एंड फुटर ऑप्शन के थ्रू, यानी कि पेज लेआउट ऑफ मेनू में जाके पेज सेटअप के ग्रुप में, यस यहाँ से आप लोग उसको यूज़ कर सकते हो हेडर एंड फुटर को।
सेम वे फॉर द फुटर, कस्टम फुटर क्या दिया हुआ है, लेफ्ट सेक्शन में क्या लिखना है आप लोगों को, कुछ भी लिख सकते हो, एक्स वाई जेड, सेंटर में नथिंग, राइट में एक्स वाई जेड, यस। तो ओके प्रेस करोगे, उसके बाद जब भी आप लोग प्रिंट प्रीव्यू दोगे तब ऑटोमेटिक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, वो हर एक पेज में आ जाएगा, नॉट ओनली फॉर द पेज वन, पेज टू में भी मिलेगा, पेज थ्री में भी मिलेगा, पेज फोर में भी मिलेगा। क्लियर एवरीवन फॉर दिस थिंग? आगे बस सबको समझ में हेडर एंड फुटर के बारे में। नाउ प्रिंट एरिया, यस, नेक्स्ट वन ऑप्शन क्या है, प्रिंट एरिया, यानी कि सेट प्रिंट एरिया। जब भी प्रिंटर अटैच होगा तब भी ये ऑप्शन वर्किंग में आएगा, तब तक वो ऑप्शन वर्किंग में आएगा नहीं। क्लियर एवरीवन फॉर दिस थिंग? आगे बात सबको समझ में कि पेज को कैसे हमें सेट करना है, उसकी मार्जिन को कैसे सेट करना है, एंड ऑल्सो द पेज हेडर एंड फुटर। बट लास्ट ऑप्शन इज दैट, कौन सा ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन इज दैट शीट, शीट ऑप्शन, उसमें ग्रिड लाइन आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, क्या है और क्या नहीं है, वो सब कुछ, कि प्रिंट एरिया का टाइटल क्या है, उसके हिसाब से यहाँ पर आप लोग उसको चेंजेस कर सकते हो। क्लियर फॉर दिस थिंग एवरीवन? जब भी प्रिंट प्रीव्यू करोगे तो ऑटोमेटिक आपके सामने रिजल्ट प्रेजेंट ही रहेगा। तो ये था हमारा पेज लेआउट, यानी कि हाउ टू सेट योर पेज इन दिस ऑप्शन। क्लियर एवरीवन? नाउ नेक्स्ट सेशन इज सेशन नंबर 6, मैनेज वर्कबुक व्यूज। अब कौन सा सेशन है, मैनेज वर्कबुक एंड व्यूज, कि हाउ टू मैनेज, नाउ हाउ टू सेट द, यस, कि आप लोग अपनी वर्कबुक को कैसे मैनेज करोगे, उसके लेआउट को कैसे दिखा पाओगे। तो यहाँ पर आपको ये आपकी वर्कबुक आपके सामने प्रेजेंट ही, ये जो हम लोग दिखा रहे, दिस वन इज योर वर्कबुक, ये क्या है, आपकी वर्कबुक ही है, बट उसमें कई सारे और भी व्यूज़ है जिसमें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो इन द गो टू द व्यू मेनू, व्यू मेनू में जाके आप लोगों को यहाँ पर वर्कबुक व्यू करके एक ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें 4 ऑप्शन है, नॉर्मल, पेज ब्रेक प्रीव्यू, पेज लेआउट प्रीव्यू एंड कस्टम व्यू, यस। जिसमें फर्स्ट वन कौन सा है, नॉर्मल, जो बाय डिफॉल्ट आप लोगों का होता ही है। द डिफॉल्ट व्यू ऑफ द स्प्रेडशीट एप्लीकेशन इज द नॉर्मल, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ सेल्स अरेंज इन द वर्क एरिया, यानी कि ये व्यू क्या बताना चाहता है, कि ये जो व्यू है वो बाय डिफॉल्ट है, इज अ कलेक्शन ऑफ सेल्स अरेंज्ड इन द वर्क एरिया, यानी कि ये कलेक्शन है सेल का, यानी कि आपके वर्कबुक का, जो आपके वर्क एरिया में आपको अरेंज करके प्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट वन इज द पेज लेआउट, यस, नेक्स्ट वन कौन सा व्यू है, पेज लेआउट प्रीव्यू, जो आप लोग ऑलरेडी अभी देख ही रहे हो सभी लोग, यस। यू कैन सिलेक्ट द पेज लेआउट व्यू इन ऑर्डर टू क्विकली फाइन ट्यून अ वर्कशीट दैट कंटेन्स मेनी चार्ट्स और ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डेटा एंड अचीव प्रोफेशनल लुकिंग रिजल्ट, कि आपके सामने एक ऐसा रिजल्ट आ गया प्रोफेशनल लुकिंग, कि आपका जो रिजल्ट है एक्चुअली जैसा आप लोगों ने बनाया है वैसा ही आपके सामने पता चले, कि यहाँ पे मैंने हेडर डाला था, यहाँ पे मैंने फुटर डाला था, जो भी चीज़ आप लोगों ने करवाई होगी वो सारी की सारी चीज़ आप लोग एज अ प्रोफेशनल प्रीव्यू के थ्रू यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट वो करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे फुटर डाला था, जितने भी आपके पेजेस थे वो सारे के सारे पेजेस आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएंगे ऑटोमेटिक, कि 4 पेजेस थे तो वो 4 पेजेस आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट होके रहेंगे। नेक्स्ट वन प्रीव्यू इज पेज ब्रेक प्रीव्यू, नेक्स्ट वन प्रीव्यू कौन सा है, पेज ब्रेक प्रीव्यू, जो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। दिस ऑप्शन इज सिमिलर टू द पेज लेआउट ऑप्शन, एक्सेप्ट यू कैन सेट द एरिया दैट इज टू बी सेट एज अ पेज आफ्टर इंसर्टिंग पेज ब्रेक, जो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था कि फर्स्ट पेज कितना रहना चाहिए, सेकेंड पेज में कितना डेटा आना चाहिए, वो आगे जो पेज लेआउट ऑप्शन में देखा था वही ऑप्शन यहाँ पर यूज होता है। एंड द लास्ट वन इज कस्टम व्यू, कस्टम व्यू क्या है, इफ़ यू वुड लाइक टू व्यू सिलेक्टेड एरियाज ऑफ ए डॉक्यूमेंट यू कैन यूज द कस्टम व्यू ऑप्शन, यस, कि अगर आपको सिलेक्टेड ही डेटा दिखाना है तो आप लोग कस्टम व्यू में जाके उसको यूज़ कर सकते हो, कि आप लोगों को यहाँ पर कौन सी चीज़ दिखानी है, किस तरीके से दिखानी है, कैसे दिखानी है, वो सब कुछ, यस, यहाँ से ऐड करोगे तो ऑटोमेटिक वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी। क्लियर? सो द नेम हैज बी इंक्लूडिंग लेटर ए, तो ये कस्टम व्यू आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? And show.
ये कस्टम भी हो गया. फॉर एग्जाम्पल इफ यू वुड लाइक टू पॉइंट आउट सर्टेन रो एंड कॉलम यू कैन एड दैट टू द कस्टम व्यू. आपको पर्टिकुलर कोई भी रो या कॉलम को ऐड करना है तो वैसे आप लोग वहाँ पर उसको दिखा सकते हो कि वो आपको कैसे दिखाना है, किस तरीके से दिखाना है और कहाँ से दिखाना है वो सब कुछ. क्लियर. नाउ व्यूइंग शीट इन मल्टीपल विंडोज. यस, कि आपको एक ही शीट को मल्टीपल विंडोज़ में दिखाना है तो हम लोग कैसे दिखा पाएंगे. क्लियर. सो उसके यहाँ पर ऑप्शन दिए गए कि आपको व्यू टैब में जाके विंडो ग्रुप में, कौन से ग्रुप में, विंडो ग्रुप में, यानी कि ये हमारा विंडो ग्रुप आ गया, यानी कि व्यू टैब, ये न्यू विंडो, उसमें हम लोग आ गए. तो ये कैसे दिखाएगा आपको, नए विंडो के थ्रू, जिसमें आपको क्या करना है, अरेंज ऑल. क्या करना है, अरेंज ऑल इन द विंडो ग्रुप. यस, कि जो भी हमारा व्यू मेनू है उसमें क्या करेंगे, अरेंज ऑल. ये हो गया, जिसमें आप लोग अपने हिसाब से दिखा सकते हो. ये टाइटल डे कि कैसे आपको दिखाना है, किस तरीके से. यस, नेक्स्ट वन इज़ द हॉरिजॉन्टल. जैसे हम लोग करेंगे विंडोज़ ऑफ एक्टिव बुक, ये एक्टिव बुक में आपको करके दिखाए ताकि आपको पता चले. तो ये एक्टिव बुक हो गई. यस, इज अ हॉरिजॉन्टली. नाउ नेक्स्ट वन इज वर्टिकल. तो वो वर्टिकल में दिखाएगा आप लोगों को. क्लियर एवरीवन. एक ही चीज़, यानी कि देखो ये बुक वन है और ये बुक टू है. क्लियर. तो एक ही डॉक्यूमेंट आप लोग दोनों तरीके से यहाँ से देख सकते हो. वापस अरेंज ऑल में आ जाओ, देन कैस्केड. क्या करोगे, कैस्केड, तो उसके हिसाब से वहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाएगा, यानी कि वन बाय वन, एक जो है वो पीछे है, दूसरा जो है वो आगे है, उसके हिसाब से. और अगर आप लोग नॉर्मली उसको यूज़ करोगे, जैसे कि हम लोग पहले बाय डिफॉल्ट था, यानी कि टाइटल, सो दैट विल बी नॉर्मल, तो वो चीज़ ऑटोमेटिक वहाँ से हट जाएगी. और इसको क्लोज कर दोगे, यस, यहाँ पे मैंने 47 की जगह पे अगर मैंने कोई भी 45 लिख दिया तो दोनों साइड पे वो चीज़ होती जाएगी, यानी कि एक फाइल में भी चेंजेस होगा, दूसरी फाइल में भी वो चेंजेस हो जाएगा. क्लियर. अगर मैं यहाँ पे 15 यानी कि 28 करता हूँ तो वो भी चेंजेस वहाँ पर हो जाएगा, आपको कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत रहेगी नहीं. क्लियर. सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ क्या है हमारा ऑप्शन, हाउ टू मैनेज योर वर्कबुक व्यूज़, कि हम लोग अपनी वर्कबुक जो है उसको कैसे हम लोग देख सकते हैं. क्लियर.